कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। G20 समिट जैसे कई बड़े आयोजन हुए, सभी ने कहा कि ऐसे आयोजन से देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। हम भी इस बात से खुश होते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या देश का सम्मान युवाओं, हमारे पुलिसकर्मियों और छात्रों से नहीं जुड़ा है? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। अब आपने आप सब सरकार को देखते हैं कि 10 सालों से चल रही है और मीडिया के मेरे भाई बहन जो दिखाते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। G20 हुआ कि नहीं हुआ? सबने कहा देश का मान सम्मान बढ़ रहा है इससे, और तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जिससे कहते हैं कि देश का मान सम्मान जुड़ रहा है और बन रहा है। ठीक है, हम भी देशवासी हैं, हम भी खुश होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या देश का मान सम्मान यहाँ जो खड़े नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं जुड़ा है? क्या देश का मान सम्मान आपकी महत्वाकांक्षाओं से, आपकी उम्मीदों से नहीं जुड़ा है? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहां पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहां PSUs में रोजगार मिलता था, वहां आप देखिए बड़े बड़े PSU बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है?